إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان واجتنبوه لعلكم تفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا इन्नका अंतल आलिमुल हकीम। मोहतरम सदर इजलास काबिल कदर नाज़िम कॉन्फ्रेंस और इस आज़मत शरीयत कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमा किराम, दीनी मिल्ली भाइयों, काबिल कदर बुज़ुर्गों, मिली जवानों और मोहतरम माओ और बहनों, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि एक अरसे के बाद मामूल के मुताबिक इलाका मंडाला के अपने नौजवानों ने ये सालाना प्रोग्राम मुनक़िद किया। अल्लाह ताला तमाम मुंतज़मीन को, वालंटियर्स को, रज़ाकारान को, ज़िम्मेदारान को अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में इसका अच्छा सिला अता फरमाए। आज का मौजू है नशा की लानत। मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं अपने वो नौजवान जो मंडाला, मानखुर्द, गोवंडी और मुख्तलिफ इलाक़ों में इन मनशियात जैसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि न पहुँचे। मेरे भाइयों, यकीनन जलसों के अपने फ़ायदे हैं, कुछ घरों तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी, लेकिन अगर हमारी इनफरादी मेहनतें भी हों, हमारी अपनी मस्जिदों के ज़रिए से हर महल्ले, हर इलाके में, तो वो नौजवान जो नशा जैसी लानत में मुलव्वस हैं, उन्हें समझाने में ये चीज़ ज़्यादा कारगर होगी। अल्लाह ताला हमारी जमात और जमीयत के जो भी ज़िम्मेदारान हैं और अपनी मसाजिद के हर इलाके में जो ज़िम्मेदारान हैं, इस तरह की तरतीब अल्लाह ताला बनाने की तौफीक अता फरमाए। नशा करना नौजवानों हराम है, लेकिन आखिर ये क्यों हराम है? मक्का में तो इस्लाम लाने के बाद भी लोग पीते थे। आपके जहन में सवाल आ रहा है ना? असल में हमारे दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक चीज़ अक्ल भी। अगर अक्ल इंसान में ना हो तो फिर तो उससे दीन का मुतालबा ही नहीं है। तो अक्ल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरीयत ने जो इक़दामात किए हैं उनमें से मेरे भाइयों एक अहम इक़दाम यह है कि हमारी अक्ल को माऊफ़ करने वाली चीज़ें, हमारे अक्ल को खा जाने वाली चीज़ें अल्लाह ने उसको हराम कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हुर्मत का ऐलान कर दिया। तो ये शराब जिसमें आज मेरे भाइयों हकीकत है कि अपने कसीर आबादी वाले इलाके जहाँ अपने मुसलमान भाई बसते हैं, जैसे आप देख लें गोवंडी का इलाका, मंडाला का इलाका, धारावी की इतनी बड़ी बस्ती और इस जैसे इलाके आप सर्वे कर लें तो अपने नौजवानों का एक बड़ा तबका नशा की लानत में बिल्कुल लथपथ है। तो आइए जवानों, अगर आप तक ये आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह करे पहुंचे, शरीयत ने नशा आवर चीज़ें जिसको आप शराब कह लें या उससे जुड़ी हुई चीज़ें, इसको हराम करने के लिए किस तरह का तदरीजी तरीक़ा अपनाया है। आप कुरान अगर पढ़ें तो शराब के बारे में 4 आयत आपको मिलेंगी। एक मक्की सूरत है, सूरतुन्नहल, सूरत नंबर 16, उसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले शराब का ज़िक्र किया। तो क्या कहा? वमिन समरातिन्नखील वलअनाब तत्तखिदून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना, कि ये खजूर और अंगूर के फल देखो तुम इससे नशा आवर चीज़ें बनाते हो और एक अच्छा सा रिस्क भी तैयार करते हो। ये मक्की सूरत की मक्की आयत है। ये उस वक्त उतरी है जब शराब पी रहे थे मुसलमान भी, गैर मुस्लिम भी। शराब हराम नहीं है। उसके बाद वाक़या ये पेश आया कि लोग पी तो रहे हैं लेकिन बदमस्त हो जाते हैं। उसमें माँ और बीवी के दरमियान भी फ़र्क नहीं कर पाते, अच्छे और बुरे की तमीज़ खो बैठते हैं। तो एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो इस्लाम ला चुके थे, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जब ये लोग हिजरत करके मदीना आ जाते हैं तो सहाबा का एक टोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है और कहता है, अल्लाह के रसूल, शराब के बारे में कुछ बताइए, ये तो हमारी अक्ल को खा जाती है और अच्छा खासा ढेर सारा पैसा हमारा इसके पीछे बर्बाद होता है। अल्लाह के रसूल कुछ बताइए इसके बारे में, क्या होगा? उस मौके पर मदनी सूरा, सूरह बकरा जो नाजिल हुई, उसमें यह हुक्म आया। पढ़िए सूरह बकरा की आयत नंबर 219। तो अल्लाह कहता है, यसअलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़अहिमा। के नबी, आपसे ये लोग आकर सवाल कर रहे हैं शराब के बारे में, जुए के बारे में, तो आप बता दीजिए कि इसमें फ़ायदा है लेकिन इसका गुनाह इसके फ़ायदे से बहुत बड़ा है, गुनाह ज़्यादा है। मतलब अल्लाह ताला ने उनके दिलों में शराब के बारे में नफ़रत पैदा कर दी, लेकिन अभी शराब हराम नहीं हुई, लोगों का पीना थोड़ा सा कम हो गया, कुछ लोगों की तादाद कम हो गई। अच्छा, उसके बाद मामला चलता रहा। फिर यह है कि नमाज मिल गई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से जाकर वापस आ गए थे, पंजवक्ता नमाजें फ़र्ज हो गई थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आशरा मुबशरा में से हैं, उन्होंने अपने घर पर कुछ लोगों को बुलाया और उम्दा शराब उन्होंने बना रखी थी, वही लोगों को पिलाया। शराब की दावत, क्योंकि अभी शराब हराम नहीं हुई थी। लोगों ने शराब पी, मस्त हो गए, और उसके बाद अजान हुई, नमाज का वक्त हो गया, तो नमाज पढ़ने चले गए। अच्छा, ये नमाज जहरी नमाज थी, तो उसमें तिलावत करते हुए लोगों ने सूरह काफिरून पढ़ी और उसको बिल्कुल उलट दिया, इसलिए कि उस वक्त वो शराब पीकर मस्त थे, उन्हें मालूम नहीं था मैं क्या पढ़ रहा हूं। तो कैसे पढ़ा सूरह काफिरून को? कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या अय्युहल काफिरून। उसके बाद क्या है मेरे भाइयों, पढ़ो, याद है ना जी? पढ़िए सावन साहब, ला आबुदु मा ताबुदून। कह दो इन काफिरों से, ए नबी, कि मैं नहीं इबादत करता उसकी जिसकी तुम करते हो। असल आयत यह है, लेकिन शराब पीने की हालत में लोग बदमस्त हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून आबुदु मा ताबुदून। माना बदल गया ना, एक एक वर्ड वहां से ला हटा दिया गया, तो नेगेटिव मीनिंग पॉजिटिव बन गई, मनफी को मुस्बत बना दिया। और मेरे भाइयों, कितना बड़ा अकीदे का बिगाड़ है। तर्जमा करिए आबुदु मा ताबुदून का। इसका मतलब ये हुआ, वो अल्लाह कह रहा है कि नबी कह दो इन काफिरों से कि मैं भी उसी की इबादत करता हूँ जिसकी तुम करते हो। अल्लाह, कितनी बड़ी गलती थी। उस मौके पर सूरह निसा की आयत नंबर 43 नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। क्या ईमान लाने वालों, देखो नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे की हालत में रहो, यहाँ तक कि तुम्हें समझ में आने लगे जो कुछ तुम पढ़ रहे हो। तो मेरे भाइयों, इसका क्या मतलब था? इसका सीधा सा मतलब था कि मुसलमानों, मोमिनों, नमाज तो तुम पर फर्ज हो गई है ना, शराब पियोगे, बदमस्त हो जाओगे, नमाज छूटेगी। तो ऐसा करो, शराब पियो ही मत कि तुम्हारी नमाज छूटे। यानी अल्लाह ताला ने इस अंदाज में उनके दिलों में और नफरत पैदा कर दी शराब के बारे में। लोग बहुत कम हो गए पीने वाले, लेकिन अब भी शराब हराम नहीं हुई। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? एक और महफिल जमी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही सहाबा उसमें थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अशरे मुबशरा में से हैं, वो भी थे। और शराब का दौर चला, लोगों ने पिया, साद बिन अबी वक़ास भी उसी में, उन्होंने भी पिया। और जब मस्त हो गए लोग, तो उसी मस्ती में फ़ख्र मुबाहात के अशआर पढ़ने लगे। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी एक शेर पढ़ा, जिसमें अंसार के लिए मजम्मत बयान की गई थी, उनकी हजो बयानी थी। बस क्या था, एक अंसारी उठे और उन्हें ऊँट के जबड़े की हड्डी मिल गई, और उसी से साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को दे मारा, ज़ख्मी कर दिया उनको, लहूलुहान हो गए। मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पहुँचा। इत्तेफाक से उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ मौजूद थे। कहते हैं, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खम्री बयानन शाफिया। अल्लाह अल्लाह, तो देख रहा है ये सब क्या हो रहा है। शराब पीने की वजह से लोग किस तरह एक दूसरे को लहू लहान कर रहे हैं, मारपीट। अल्लाह, तो शराब के बारे में कोई मोहकम और अटल फैसला नाजिल फरमा दे। उस मौके पर सूरह मायदा की आयत नंबर 90 नाजिल हुई। जिब्रील लेकर आए और अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान लाने वालों, शराब, जुआ और आस्थानों पर किए जाने वाले ज़बीहे गैरुल्लाह के नाम पर जो करते हैं, वल अज़लाम और पांसे के तीर, ये सब नापाक और पलीद चीज़ें हैं, शैतानी काम हैं। इज्तनिबू, इनसे दूर रहो, अवॉइड करो इन्हें, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें कामयाबी मिले। यहाँ पर शराब हराम हो गई। अब उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक मुनादी को, आवाज़ लगाने वाले को भेजा, जाओ मेरे सहाबी, मदीने के गली कूचों में ऐलान कर दो। ये सहाबी रसूल निकले, लोगों सुनो, अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत, अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत, लोगों सुन लो, शराब हराम हो गई, शराब हराम हो गई। ऐलान करते हुए जा रहे, लाउड स्पीकर नहीं था मेरे भाई उस ज़माने में। आप अपने देहात की ज़िंदगी में जाओ, जब कभी कोई मीटिंग होती थी, हाँ, सरपंच साहब कहते थे किसी से, जाओ भाई ऐलान कर दो गांव के गली कूचों में, तो एक आदमी जाता था, ज़ोर ज़ोर से ऐलान करता था, सरपंच साहब के यहाँ मीटिंग है, सभी जमा हो जाओ। तो इस अंदाज में साहबे रसूल ने ऐलान किया। हज़रत अनस कहते हैं, सही बुखारी किताबुल मज़ालिम की रिवायत है, 2464 नंबर की हदीस, कि मैं उस वक्त अबू तलहा अंसारी के घर में लोगों को शराब फजीख पिला रहा था, खजूर से बनी हुई उम्दा शराब। जब कानों से मुनादी की आवाज़ टकराई है तो अबू तलहा अंसारी कहते हैं, अनस उखरुज फअहरिकहा फखरजतु फहरकतुहा फजरत फी सिककिल मदीना। कहते हैं अबू तलहा, कहते हैं, ए अनस, ले जाओ ये तमाम जो मटके रखे हुए हैं ना शराब के, इन्हें ले जाओ मदीने के गली कूचों में, उड़ेल दो, फोड़ डालो, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अनस कहते हैं, मैंने ले जाकर उन्हें उड़ेला, फोड़ा, यहाँ तक कि शराब मदीने के गली कूचों में बहने लगी। तो मेरे भाइयों, देखिए अरब के लोग शराब के कितने बड़े रसिया थे। महफिलें जमती थीं, पीते थे, इसलिए कि शराब हराम नहीं थी। लेकिन जो ही अल्लाह का फाइनल और अटल फैसला आया, आखिरी फैसले का ऐलान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया कराया गया, तमाम सहाबा ने अपने मटकों को फोड़ डाला, अपनी उंगलियां जो लोग पी चुके थे, जाम और पैमाने अपने हल्क से नीचे उतार चुके थे, उन्होंने अपनी उंगलियों को अपने हल्क में डाल डाल कर कुल्लियाँ कर डाली। अल्लाह ने हराम कर दिया है, अब हम इसके करीब नहीं जाएंगे। तो मेरे भाइयों, शराब इसकी फितरत में गुमराही है। बहुत बड़ा करम है अल्लाह का कि उसने इस नुकसानदेह चीज़ को हमारे लिए हराम कर दिया है, वरना ये उम्मत किस कदर गुमराह होती। इसकी फितरत ही गुमराही वाली है। एक वाक़या सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए थे, ये सही बुखारी किताबुल अशरबा 5576 नंबर की हदीस है। सईद बिन मुसैब कहते हैं कि अबू हुरैरा ने बयान फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या जो उन्होंने नबी से सुना था, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे तो जिब्रील ने ईलिया के मकाम पर बुराक को रोका। आप बुराक पर सवार थे ना जिब्रील के साथ, तो ईलिया के मकाम पर जिब्रील ने आपकी मेहमान नवाजी करना चाहिए। तो क्या पेश किया मेरे भाइयों, जानते हैं जिब्रील ने क्या दिया था नबी की ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी के लिए? 2 प्याले, एक में शराब और एक में दूध। अच्छा, जिब्रील कुछ नहीं कह रहे हैं, दोनों पेश कर दिया। इसलिए कि मेरे भाइयों, मेराज का वाक़या मक्की ज़िंदगी का है, जब शराब हराम नहीं हुई थी। आप सोच रहे होंगे जिब्रील ने आखिर शराब दिया क्यों, नबी के सामने क्यों पेश किया? असल में उस वक्त शराब हराम नहीं थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा, लेकिन आपने क्या पिया बताओगे मेरे भाइयों? मानखुर्द के अज़मत शरीयत कॉन्फ्रेंस के सामाईन, नबी ने शराब लिया या दूध? क्या लिया भाइयों? नबी ने दूध लिया। उसके बाद जानते हैं जिब्रील कितना खुश हुए, जिब्रील ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाका लिल्फ़ितरा लौ अखस्तल खमरा लग़वत उम्मतु। उस अल्लाह का बेपाया शुक्र है, उसके लिए तमाम तारीफ़ें हैं जिसने ए नबी आपको फितरत की रहनुमाई फरमाई और आपने दूध पी लिया। अगर आपने शराब का प्याला ले लिया होता तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, शराब की फितरत में गुमराही है। मेरे जवानों, इन चस्कों से अपने आप को दूर कर लो, वरना सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। तुम अगर दुनिया की शराब से तौबा न करो और यूं ही चले जाओ तो जन्नती शराब तुम्हें नहीं मिलेगी। ये किसी मौलवी की बात नहीं है मेरे भाइयों, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है। सही बुखारी किताबुल अशरबा 5575 नंबर की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शरीबल खमरा फिद दुनिया सुम्मा लम यतुब मिन्हा हुरिमहा फिल आखिरा। जिसने दुनिया में शराब पी ली और अल्लाह से सच्ची तौबा उसने न की तो जन्नत की शराब से महरूम रहेगा। क्या मतलब है भाइयों, जन्नत की शराब से महरूम रहेगा? क्या क्या मतलब है कि आप जन्नत में जाएंगे और शराब नहीं मिलेगी? भाई जन्नत में जो जाएगा वो जो चाहेगा पाएगा। तो अगर आप जन्नत में जा सकते हैं तो शराब भी आपको मिलेगी जन्नत वाली। इसका मतलब ये है कि ऐ बंदे, तूने अगर दुनिया की शराब पी है, अल्लाह से तौबा नहीं की तो तुझे जन्नत ही ना मिलेगी, क्योंकि जन्नत में जाने वाला तो शराब पाएगा ही। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, अल्लाह के लिए इससे तौबा कर लो और गालिब वाली तौबा ना करो। हाँ, गालिब साहब, उन्होंने भी अपनी बात को अपने शेर में रखा है कि शाम को खूब पिया और सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। तो ऐसी ही तौबा आप करना चाहते हो कि चलो सुबह को उठेंगे तौबा कर लेंगे, अभी शाम को जामो पैमाने रहने दो, इन्हीं रंगीनियों में बसर करने दो? नहीं मेरे भाइयों, ये तौबा तौबा नहीं है, तौबे नसूह को तौबा कहा जाता है। सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह ताला हमारे जवानों को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, हमारे कुछ नौजवान कहते हैं कि मौलाना हम शराब वराब तो पीते नहीं हैं, शराब तो हराम है ना, लेकिन ये MD पाउडर है, थोड़ा सा सूंघ लेते हैं, मज़ा आ जाता है ना। और आजकल लोग चोरी छुपे बेचते भी हैं, इसके धंधे करते हैं। अल्लाह अकबर। कुछ लोग कहते हैं मौलाना बस थोड़ा सा गांजा और चरस वाली चिलम बना लेता हूँ, धुआं उड़ा देता हूँ, शराब वराब के करीब नहीं जाता हूँ। ये MD पाउडर पीने वाले या चरस और गांजे की चिलमें बनाने वाले हमारे नौजवान जो जगह जगह नुक्कड़ों पर नज़र आते हैं, वो सुन लें कि ये सारी चीज़ें हराम हैं क्योंकि ये नशा आवर हैं। दलील सही बुखारी किताबुल अशरबा की रिवायत है, 6124 नंबर की हदीस है। अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी हैं, कहते हैं कि मैंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इन्ना बे अर्ज़िन युस्नअ फ़ीहा शराबुम मिनल असल युक़ालु लहुल बितर व युस्नअ फ़ीहा शराबुम मिनश शईर युक़ालु लहु अल मिज़्र। अबू मूसा अशअरी कहते हैं, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, हम ऐसी सरज़मीन में हैं जहाँ पर लोग शहद की शराब बनाते हैं जिसको बिता कहते हैं, तो इसका हुक्म क्या है? और इसी तरह लोग जौ की शराब बनाते हैं जिसको मिज़्र कहते हैं, तो अल्लाह के रसूल इसका हुक्म क्या है? अब देखो नबी का जवाब क्या है मेरे भाइयों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि शहद से बनी हुई शराब, जौ से बनी हुई शराब ये हराम। नहीं, आपने एक कायदा दे दिया। ये शरीयत कॉन्फ्रेंस है ना, शरीयत के माने कायदा, कानून, ज़ाब्ता हुआ होता है। नबी ने एक ज़ाब्ता दे दिया अपने उम्मत को, क्या कहा? कुल्लु मुस्किरिन हराम, जो नशा पैदा करे बस वो हराम। अब चाहे तुम शहद की शराब बना लो, नशा है हराम। जौ की बना लो, नशा आवर है हराम। तुम खजूर की बना लो, नशा आवर है हराम। तुम अंगूर की बना लो, नशा आवर है हराम। तुम्हारे यहाँ नारियल पैदा होता है, तुम नारियल की बना लो, हराम। तुम्हारे यहाँ गेहूँ, तुम्हारे यहाँ चावल, तुम्हारे यहाँ और बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, जिससे भी ऐसा मशरूब बनाओ जिसमें नशा की कैफियत है तो वो हराम है। अब तुम MD पाउडर पियो, तुम चिलमें बनाओ और चरस और गांजे उसमें भरो और चाहो तो हुक्के का नाम दे लो, नाम जो भी दे लो। मेरे जवानों सुनो, अगर उसमें नशा है तो बोलो क्या है वो? हराम। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को इन तमाम चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कहते हैं मौलाना हम तो कब्बो हाथ नहीं लगाए हम शराब वराब पर, लेकिन यह तरीबर खैनी वैनी बनाए ली था, खैनी खाई ली था और जेबिया मन आई रहा था तो कहते हैं कि तनिबर निकालो हो अमल ला गए। अल्लाह तो ये तंबाकू और उससे बनी हुई चीज़ें, इसका हुक्म क्या है भाई? बहुत सारे नौजवान भी बड़े बूढ़ों को देखकर खाते पीते नजर आते हैं, बोलो भाई जो है कि नहीं है? कितने लोग हैं जो हाँ होंठ के अंदर डालकर कभी बात करो तो बढ़िया से बात नहीं कर पाते, आप कुछ रखे हुए बहुत कीमती चीज। अल्लाह अकबर। तो तंबाकू का हुक्म क्या है यही सुन लो और मैं खुतबा खत्म कर रहा हूं, मेरा वक्त हो गया लेकिन 5 से 7 मिनट लूंगा मैं। देखो तंबाकू असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद नहीं थी। इसकी दरियाफ्त जानते हैं कब हुई है? तकरीबन 1000 हिजरी में इसकी दरियाफ्त हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 900 साल के बाद। और शुरू में लोग नहीं जानते थे कि इस तंबाकू का असर क्या है, अच्छा बुरा, खा रहे थे पी रहे थे। इसीलिए उलमा के बयानात आप देखेंगे आपस में कंट्रीडिक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, टकराते हुए नज़र आ रहे हैं। बाद में आजकल साइंस ने भी बहुत सारी चीज़ें मेरे भाइयों हवाले दे दिए हैं, बता दिया है नुकसान क्या हैं। तो आजकल जो कुछ हमारे सामने है तंबाकू और उससे बनने वाली चीज़ें, जैसे सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा है और न जाने मेरे भाइयों क्या क्या है, शायद तुम्हें मालूम हो मुझे नहीं मालूम। तो सुन लो, तंबाकू और उससे बनने वाली चीज़ें उलमाए हक का फतवा है ये सब हराम है और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दलील उलमा ने दी है, 3 दलील है, यही सुन लो मेरे भाइयों और फिर मैं बैठ जाऊंगा अपनी जगह ले लूँगा। क्यों हराम है भाई तंबाकू और उससे बनने वाली चीज़ें, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा? नंबर 1, ये खबीस चीज़ें हैं, तय्यब और पाक चीज़ें नहीं हैं। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? दलील दे दूँ। जब किसी सुबह में ज़रा देखो कुछ नौजवानों को, कुछ बूढ़ों को, आप इसी सलम एरिया में किसी BMC टॉयलेट के पास खड़े हो जाओ जायज़ा लेने के लिए, लोग अपना अपना पॉट लेकर के पहुंच रहे हैं, कोई सिगरेट जला रहा है, कोई बीड़ी जला रहा है, कोई खैनी बना रहा है। कहाँ जा रहा हूँ? अरे BMC टॉयलेट, मज़े से बैठ कर वहीं खाऊँगा। अच्छा भैया तो टॉयलेट में खाई जाने वाली चीज कितनी अच्छी होती है जरा बता दो। उस गंदी जगह में जो खा रहे हैं वो भी गंदी, इसलिए कि तुम अपनी मटन बिरयानी ले जाकर उस BMC वाले टॉयलेट में खाते हो? बोलो नहीं खाते। अपनी पुलाव ले जाकर खाते हो? नहीं खाते। दालचा बनाते हो खाते हो? नहीं खाते। वहां कहते हो जाकर खैनी खाऊंगा, सिगरेट पीऊंगा। अल्लाह अकबर। और कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना ये सब ना पीऊँ तो बस बहुत मुश्किल हो जाए। पता नहीं कैसी मुश्किल उनको पेश आती है, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा दे। तो खबीस जगह में, गंदी जगहों में ये गंदी जगह खाई पी जाती हैं और आप अपने आँखों से इसका मुशाहिदा कर रहे हो। और कुरान में है कि प्यारे नबी ने खबीस चीज़ों को हराम किया है। पढ़ो सूरह आराफ, सूरत नंबर 7 की आयत नंबर 157। अल्लाह क्या कहता है? वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। ये नबी इन इंसानों के लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करता है और खबीस चीज़ों को हराम ठहराता है। तो मेरे भाइयों, अगर ये खबीस आप मानते हो कि खबीस जगहों में बैठ कर के लोग इसे खाते पीते हैं, और कुरान ने भी तो कहा ना, अल खबीसून लिल खबीसात। हाँ, अब आप मेरे भाइयों इससे मसले निकाल लो। अल्लाह हू अकबर। तो खबीस चीज़ है, इसलिए नंबर एक पहली दलील है। नंबर दो, इस खबीस चीज़ को खरीदने के पीछे जो पैसा खर्च करते हो ना, फजूल खर्चियाँ करते हो, सिगरेट की पैकेट्स लेकर के आते हो, महंगी से महंगी बोलते हो इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड पीता हूँ, इंडियन वाली नहीं। अल्लाह। तो ये इसराफ नहीं, ये तबज़ीर है, हराम चीज़ में अपने पैसे लगाते हो, और कुरान ने मना फरमाया है। पढ़ लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इसरा की 26-27 नंबर की आयत में क्या कहा, वला तुबद्दिर तब्दीरा इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शैतान व कान शैतान लिरब्बिही कफूरा। ऐ लोगों, इन हराम चीज़ों में भी तुम फजूल और इसराफ कर रहे हो, फजूल खर्ची कर रहे हो, और देखो इन हराम चीज़ों में ये खर्च करने वाले लोग शैतान के भाई हैं, और शैतान तो रब का बड़ा नाशुक्रा है। तो बोलो, बताओ मेरे भाइयों, मेरे जवानों और बुजुर्गों, शैतान का भाई बनना है या दुश्मन? बोलो दुश्मन ना, इसलिए इससे बचो। और तीसरी दलील ये है कि तंबाकू और उससे बनी हुई तमाम चीज़ें आपकी सेहत के लिए मोहलिक हैं, मुज़िर हैं, नुकसानदेह हैं, जानलेवा हैं, कैंसर डिजीज़ पैदा करने वाली है। अगर मेरी नहीं मानते तो जाओ ज़रा एक पैकेट खरीद कर ले आओ, वो आपके इंडिया की, मेड इन इंडिया हो या मेड इन चाइना हो, जो भी हो, ज़रा एक सिगरेट की पैकेट मुझे दिखा दो। मेरे भाइयों, खुद पढ़ लो अपनी आंखों से, उस सिगरेट की पैकेट पर कंपनी लिखती है स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग करने से इंसान मरता है। और बाहर की इम्पोर्टेड जो पी रहे हो ना, इम्पोर्टेड पे क्या लिखा हुआ है, मजीद और लिखा हुआ है स्मोकिंग काजेस हार्ट डिजीजेस, लंग कैंसर एंड डेंजरस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग करने से दिल की बीमारियां पैदा होती हैं, फेफड़े का कैंसर होता है, बहुत खतरनाक है सेहत के लिए। ये कौन कह रहा है? कोई मौलवी मौलाना नहीं कह रहा है, सिगरेट बनाने वाली कंपनी लिखकर बेच रही है। और आप जानते बूझते मेरे भाइयों खुदकुशी करने जा रहे हो। अल्लाह के लिए अपने आप को खुदकुशी पर आमादा न करो। ये किस्तों में खुदकुशी है मेरे जवानों, जो तुम सिगरेट खरीद कर पीते हो, बीड़ियाँ पीते हो, खैनी बनाते हो। अल्लाह की कसम, कुछ बुज़ुर्गों को मैं जानता हूँ, मेरे आँखों के सामने उनकी मौत हुई है। डॉक्टर ने जो डिक्लेयर किया है वो यही कि ये जो तम्बाकू खाते थे उसकी वजह से इनके पेट में कैंसर हुआ है। अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों को भी इससे बचने की तौफीक अता फरमाए, और अगर हमारे बुज़ुर्ग उससे तौबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जवानों को समझाना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।